अगर आप लोग एक स्नैपचैट यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप लोग गैलरीज के अंदर जो फोटोज़ या वीडियोज़ होती हैं आप उनको अपने स्नैपचैट के अंदर स्टोरी के ऊपर या स्ट्राइक के ऊपर कैसे लगा सकते हैं। तो सिंपली ये बहुत ही सिंपल वे है जिसका हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। कोई आपने कोई और थर्ड क्लास जो है वो एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना, अपने स्नैपचैट के अंदर ही इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना कुछ नहीं है, आपने स्नैपचैट को ओपन कर लेना है। सबसे पहले हम सर्च वाले आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है गैलरी, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ गैलरी, ठीक है। यहाँ पर मैंने सर्च किया गैलरी और यहाँ पर मेरे पास फिल्टर्स शो रहे हैं जो कि गैलरीज के रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर एक फिल्टर है जिसका नाम है गैलरी अपलोड PV, इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लें, साइट पर भी शो रहा होगा। इस फिल्टर के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस फिल्टर को आपने यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग अब ये करेंगे कि डायरेक्टली वीडियो को बैठ जाएंगे, इस फिल्टर को यूज़ करेंगे, फिर ये फिल्टर आप लोगों से यूज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले ये जान लें कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो वो जानने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी कर दें, सारा कुछ कर दें, दिल खुश हो जाएगा। हम इतनी मुश्किल से वीडियोस क्रिएट करते हैं तो आप लोग ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। और अब यहाँ पर आपने सिंपली जाकर गैलरी अपलोड PV के ऊपर जस्ट कर देना है क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये दो तरीक़ों से वर्क करता है। अब देखें यहाँ पर मेरी फ़ोटो शो हो रही है और मेरी बैग के अंदर मेरी जो मोबाइल फ़ोन में जो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हैं वो सारी यहाँ पर देखें ये शो हो रही हैं। अब देखें मेरी फ़ोटो आगे आ रही है, जैसे ही मैं अपने कैमरे को ऊपर की तरफ करता हूँ तो ये गायब हो रहा है। अब ये जो है वो तभी वर्क कर रहा है जब मेरा फेस इसके सामने आ रहा है। तो अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, तो सिंपली आपने बैग चल जाना है, दोबारा फिर बैग जाना है, दोबारा फिर सर्च वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अब जब आपने इस फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है तो आपने अपना फेस आगे नहीं लेके ना अपने मोबाइल को ऊपर कर लेना है, मतलब अपने मोबाइल फोन को सीधा रख लेना है। ऊपर आपकी छत आनी चाहिए, आपका कैमरा लगा हुआ है, जो कुछ भी लगा हुआ है आपने अपने मोबाइल फ़ोन को ऐसे सीधा रख देना है। फिर आपने इस फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। देखिए अब यहाँ पर मैंने इस फिल्टर के ऊपर क्लिक किया, अब देखें मेरे मोबाइल फ़ोन की गैलरी में जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। अब देखें मैं इसको भी लगा सकता हूँ, इसको भी लगा सकता हूँ, इसको भी लगा सकता हूँ, जिसको चाहे मैं उसको लगा सकता हूँ। तो अब यहाँ पर ये फ़ोटो आ चुकी है तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। अब देखें ये स्नैप बनना शुरू हो रही है, ऐसी लग रहा है कि जैसे हम ओरिजिनल में कोई फ़ोटो या वीडियो उसको क्लिक करें, ठीक है। वीडियो को भी हम ऐसे ही यूज़ करेंगे, फ़ोटो को भी हम ऐसे ही यूज़ करेंगे, जितनी देर तक आप इसकी लेंथ रखना चाहते हैं उतनी देर तक रख सकते हैं। रखने के बाद आपने ये देखें ये आ चुकी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने इसको ओरिजिनल वे में यूज़ किया, जैसे हम चाहे इसके ऊपर फिल्टर्स लगा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देखें स्टोरीज के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं, ये स्टोरी के ऊपर लग चुकी है, हम इसको शेयर भी कर सकते हैं, जो कुछ करना चाहें हम उसको कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो उनका स्नैप स्कोर बहुत ज़्यादा लो होता है, तो एक वीडियो मैंने डिटेल क्रिएट की हुई है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को वॉच करें। उसमें मैंने बताया कि आप एक दिन के अंदर अंदर अपना 2 लाख से ज़्यादा स्नैप स्कोर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अपनी अगली कुछ स्नैप की ट्रिक के अंदर, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।